मैं तो सोच रहा था कि आज फिर से बताऊंगा कि पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। जो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है हाफिज सईद, उसका बहनोई गायब हो गया। पाकिस्तान के लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन ये क्या, यहां तो अलग ही रोना गाना शुरू हो गया है। अभिसार शर्मा बिलख रहे हैं कि मेरा फोन लैपटॉप ले गए। भाषा सिंह फोन को ही अलविदा कह रही हैं। धीर गंभीर उर्मिलेश दिल्ली पुलिस के साथ जा रहे हैं। उर्मिलेश के वकील गौरव यादव बता रहे हैं कि उनकी पत्नी ने कहा कि उर्मिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। देख लीजिए, न्यूज क्लिक के दफ्तर में दोस्तों गहमा गहमी नजर आ रही है। पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग सकते में है, सदमे में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछली बार ईडी के मामले में न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर गिरफ्तारी से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इस बार सरकार ने चीनी फंडिंग के मामले में ऐसा इंतजाम किया है कि कोर्ट से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपको दोस्तों आज इसी को डीकोड करते हुए सारी खबरें दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज भूकंप से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा भूकंप तो आज सुबह आया जब चारों तरफ सोशल मीडिया में ये खबर तैरने लगी। और ये खबर है न्यूज क्लिक भारत के कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकारों से जुड़ी हुई। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने एक साथ 30 से अधिक लोकेशन पर रेड की। जी हाँ, छापेमारी। और ये जो छापेमारी है ना, कहाँ हुई जानते हैं? न्यूज के नाम पर काम कर रही जो वेबसाइट है न्यूज क्लिक, उस पर, उससे जुड़े पत्रकारों पर हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक साथ कई शहरों में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बॉम्बे, कई जगहों पे, मुंबई में दोस्तों ये छापेमारी हुई। और जिन पत्रकारों के ऊपर छापेमारी हुई है उनमें जो प्रमुख नाम है आप देख लीजिए, न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ, संजय राजौरा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, अनिंद्य चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, सोहेल हाशमी। और कहा जा रहा है कि ये जितने भी पत्रकार हैं जिनके नाम आ रहे हैं वो सभी के सभी न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। अभिसार शर्मा तो नोएडा में रहते हैं और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इसके बाद कई पत्रकारों ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। किसी ने कहा कि मेरा फोन लैपटॉप सब ले गए हैं, किसी ने कहा मेरे फोन से। आखिरी ट्वीट है ये, तो मैं आपको इंट्रो में दिखा चुका हूं दोस्तों। इसके अलावा जितने भी ये सारी चीज़ें हो सकती है ना, लैपटॉप और तमाम चीज़ें, वो जब्त कर ली गई हैं, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट है ना, और पता तो चलता नहीं है। आजकल पुलिस तो बड़ी संजीदगी से काम करती है ना, ऐसा नहीं कि बस उठे और कहीं भी छापा मार दिया। नहीं जी, प्रॉपर जाँच होती है, सबूत इकट्ठा की जाती है और संजीदगी से ये काम किया जाता है, इसीलिए अभी तक जानकारी कम है। इस बीच एक और खबर आई दोस्तों कि मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता शीतल बाड़ के घर भी मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची, वहां भी कार्रवाई जारी है। हालांकि वहां पर भी कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, जिसको जो मन में आ रहा है वही कह रहे हैं। और ये जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, जानते हैं किस मामले में हो रही है, किस ग्राउंड पर हो रही है? UAPA के तहत हो रही है। और 5 अगस्त को, मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल सिंघम ने फाइनेंस किया था और वो चीनी प्रोपेगेंडा को भारत समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ावा देता है। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी। और आप देखिए, मैं आपको रिपोर्ट भी बता देता हूं। इसी रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ UAPA के सेक्शन 153 ए, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदारी समेत कई अन्य सेक्शन के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। और ये जो FIR है ना, उसका नंबर भी बता देता हूं, 224/2023। और जानते हैं दोस्तों, इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला गया था, प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी हुई थी,
लेकिन उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। इसके बाद 22 अगस्त को भी मामला आया, तब कहा कि ये सहयोग करेंगे, गिरफ्तारी नहीं करनी है। लेकिन अब सरकार ने गजब का तरीका अपनाया है, पूरे सबूतों के साथ अब जो तरीका अपनाया है ना, अब बचना मुश्किल है, हाईकोर्ट में भी बच नहीं सकते। और ये जो अभिसार शर्मा और ये जितने लेफ्ट लिबरल गैंग काम कर रहे थे ना, अब यकीन मानिए इनका जेल जाना तय है। क्यों, आप समझ लीजिए, यूएपीए कानून कहता क्या है, देख लीजिए। यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आप देख लीजिए, और ये जो कानून है वो कब लाया गया है, ये भाजपा सरकार नहीं लाई है, ये 1967 में लाया गया है, जब ये गांधी, नेहरू गांधी परिवार की सत्ता चलती थी, उस समय का लाया गया कानून है। और एक बात ये भी याद रखिए, मैं आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर के हवाले से दिखा रहा हूँ कि यूएपीए कानून के तहत किसी भी परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल कैनॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन यूएपीए केसेस, केरला हाई कोर्ट। अब ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसी मामले में संसद में मामला उठ चुका है। जी हाँ, संसद के भीतर देखिए क्या, किस प्रकार से ये मामला उठा था। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए। अब ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें सनसनीखेज जानकारी दी थी। उसने बताया था कि कैसे चीन पूरी दुनिया में प्रचार के लिए एक नेटवर्क चलाता है और इसमें वहां के लोगों और संस्थानों को पैसे बांटता है। इसमें भारतीय मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक भी एक लाभार्थी के तौर पर बताया गया है। और यही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी को कार्रवाई के दौरान 38 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि इस विशेष नेटवर्क का नेतृत्व अमेरिका का एक बिजनेसमैन करता है जिसका नाम नेविल रॉय सिंघम है, जो पूरी दुनिया में चीन के एजेंडे को फैलाता है और इसका संबंध चीन की जो एकमात्र सरकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसके साथ है, उसके साथ मिली भगत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईडी का हवाला देते हुए कहा कि धनराशि भीमा कोरेगांव का आरोपी और शहरी नक्सली यूएपीए का आरोपी है ये गौतम नवलखा और एक सीपीएम पदाधिकारी को भी भेजी गई है। बता दें कि बीते दिनों प्रबीर पुरकायस्थ और हिटमैन पत्रकार रवि नायर राफेल सौदे और भारत के अन्य रणनीतिक, आर्थिक या रक्षा विकास पर एक के बाद एक हमले करता है। और इससे सबसे ज्यादा जुड़ाव किसका, आप समझ रहे हैं ना, चीन ही को परेशानी होती है भारत के काम करने से, वहां पे ये लोग हिट कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि रवि नायर एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ द्वारा वित्त पोषित जो प्रचार पोर्टल है अडानी वॉच, उसके लिए लेख लिखते हैं। आप सोचिए कि क्या कोई देश, कोई संस्था ऐसा हो सकती है जो सिर्फ एक उद्योगपति पर प्रहार करने के लिए पूरी की पूरी वेबसाइट चलाने लगे। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को टारगेट करने के लिए ये सब किया जाता है। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें बस
वर्तमान सरकार पीएम मोदी सीएम योगी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लगातार लेख लिखना है, अर्थव्यवस्था पर हमला करना है, सामाजिक ताने बाने पर हमला करना है, हर उस चीज पर हमला करना है जो उनके मालिक के हित में है, जिसमें सरकारें और निगमें शामिल हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसमें बहुत डिटेल में तो लेकर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक हैंडल बताता हूँ, द हॉक आइज की ये जो हैंडल है ना, इस पर इस बहुत ही विस्तार से एक एक पॉइंट को उठाकर रखा गया है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जो बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफ़ी बाद में कही, हाल ही में, वही बात तो 2.5 साल पहले मोदी सरकार की एजेंसियों ने कहा था। फरवरी 2021 में ईडी ने शिकंजा कसा था, 5 दिनों तक 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। न्यूज क्लिक के फाउंडर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिल गई। और आप ये भी जान लीजिए किसी वेबसाइट से अभिषार शर्मा भी जुड़े हैं, और न्यूज क्लिक पर अभिषार शर्मा करते क्या हैं इस पर तो मैं फिर कभी विस्तार से एक एक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। आप कुछ थंबनेल के जरिए देख लीजिए, ये सिर्फ सरकार सरकारी एजेंसियों पर हमला ही करते हैं, इन्हें भारत में भारत सरकार में कभी कोई एक भी चीज अच्छी नजर नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, अब जब ये सारी चीजें हो रही है ना, अब फिर से अभिव्यक्ति की आजादी का रोना शुरू हो जाएगा, फिर से सारी चीजें होंगी। देखिए पत्रकार और पत्रकारिता पर स्वतंत्र होना कितना जरूरी है ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन जब बात देश हित की हो तो उसमें जांच होना तो और भी जरूरी है ना। और एक बात ये भी आप समझिए कि जब बीबीसी पर हमला हुआ, बीबीसी पर जब छापेमारी की गई, तो यही लेफ्ट लिबरल गैंग रो रहा था, लेकिन बाद में क्या निकला, बीबीसी ने तो अपना गुनाह मान लिया, तब तो ये लोग चुप रहे। फिर यही लोग 14 एंकर्स को बैन करते हैं, तब इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी का खतरा नजर नहीं आता है। लेकिन आज जब पुख्ता सबूत होने के बाद एजेंसियां काम कर रही हैं, न्यूज क्लिक के इन पत्रकारों से पूछताछ हो रही, शिकंजा कसा जा रहा है, तब इन्हें फिर से अभिव्यक्ति की आज़ादी की याद आ रही है। तो इसलिए दोस्तों इंतजार कीजिए, मुझे लगता है कि सरकार अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, जो देश हित में है वही काम होगा, और इसीलिए आप देखते चले जाइए अभी क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।